सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर ₹100 के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। ये आपको पता है कि LIC का IPO इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है, इसलिए इस IPO की जो प्रोसेस है काफी तेजी से चल रही है और अब इस IPO की एक्सपेक्टेड डेट्स एंड डिटेल्स भी आती हुई नजर आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस IPO की एक्सपेक्टेड डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इस IPO की जो एक्सपेक्टेड डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो IPO है 10 मार्च 2022 से ओपन हो सकता है अप्लाई करने के लिए, वहीं 14 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट हो सकती है। वहीं ये बुक बिल्ड इशू होगा और इशू साइज की बात करें तो करीब इतने इक्विटी शेयर आएंगे, जो क्वांटिटी में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है और इशू प्राइस की बात करें यानी प्राइस बैंड की बात करें तो 2000 से ₹2100 के बीच में एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं डिस्काउंट की बात करें तो 10% का डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, वो भी एम्प्लॉइज हैं जो इसके उनको और पॉलिसी होल्डर्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन भी है और 10% का डिस्काउंट भी यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास भी LIC की पॉलिसी है तो आपको अपनी LIC को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, वो आपको 28 फरवरी के पहले करना है। साथ ही साथ जिसके नाम की पॉलिसी है उसी के नाम से डीमेट अकाउंट होना भी जरूरी है। तो अगर डीमेट अकाउंट उसके नाम से नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं मार्केट लॉट की बात करें तो 7 शेयर एक लॉट में आपको मिलेंगे, यानी कि 7 शेयर का एक लॉट रखा गया है। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों में ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए डेट्स की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 मार्च 2022 को यहां पर अनाउंसमेंट होगा प्राइस बैंड का, जो एक्चुअल प्राइस बैंड है अभी तो मैंने जो बताया 2000 से 2100 वो एक्सपेक्टेड है और इसी के बीच में रहने की संभावना है। जो एक्चुअल प्राइस बैंड है उसका अनाउंसमेंट 7 मार्च को किया जा सकता है। वहीं 9 मार्च को एंकर इन्वेस्टर का अलॉटमेंट आएगा, वहीं 10 मार्च से ये IPO ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, 14 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है, वहीं 17 मार्च को यहां पर अलॉटमेंट आ जाएगा, 14 मार्च को ऑफर खत्म होगा और 17 मार्च के आसपास इसका अलॉटमेंट भी आता हुआ नजर आएगा। वहीं 21 मार्च को अगर देखें तो देखिए जिसको यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिला है उसका फंड अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। 22 मार्च को अगर देखें तो जो जिनको ये IPO अलॉट हो चुका है तो 22 मार्च को शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट पे आना शुरू हो जाएंगे। वहीं 23 मार्च को अगर देखें तो इस IPO की मार्केट में लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो 23 मार्च का जो दिन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए ये टाइम टेबल एक्सपेक्टेड जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से इसके आसपास ही सभी चीजें होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये अपडेट है जो LIC के IPO से रिलेटेड आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। और मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो और आपके नाम से या आपके घर में किसी के नाम से भी पॉलिसी है और उसका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस IPO में अप्लाई करके जो 10% का रिजर्वेशन है उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो देखिए ये अपडेट है और यहां पर मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।